जय हिंद। देखिए, भारत सरकार की जो PLI स्कीम था वो किस तरह चीनी जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां उसकी कमर तोड़ दी, इसको समझिए ध्यान से। सरकार ने कुछ दिन पहले अपनी एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था PLI स्कीम। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब होता है इन्होंने इस कंपनियों को लाया था किस सेक्टर में, इन्होंने मेनली इस कंपनियों को लाया था तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लेके आए थे। ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लाने वाली कंपनियों के लिए लाया गया था और कहा गया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भारत में आती है और वो प्रोडक्शन करती है तो जितना ज्यादा उसको प्रोडक्शन दिया जाएगा सरकार उसको बगल से कुछ पैसे यानी इंसेंटिव्स देगी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सरकार की बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर कंपनियां आ जाती हैं और वो प्रोडक्शन करती हैं तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी सरकार उतना ज़्यादा देगी यहाँ पे, तो फिर सरकार को फ़ायदा क्यों हुआ? भैया फ़ायदा होता है, सरकार बेवकूफ़ नहीं बैठती है, उसके पास एक से एक IAS अधिकारी दिमाग देने वाले बैठे हैं सब। आप देखिए, अगर कंपनी आती है तो कई तरह के टैक्स देंगे वो, पहले GST देंगे, बाद में इनकम टैक्स दे देंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो सेस दे देंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। उसके अलावे वो कितना रोज़गार देंगे, हमसे बिजली को खरीदेंगे, हर चीज़ करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फायदा। एक तरह से अगर देखेंगे तो 100% उनसे अगर लिया जाएगा तो उसका 20-25% ही इंसेंटिव में जाएगा उनको, तो बहुत अच्छा स्कीम है। तो शुरुआत में जब ये गवर्नमेंट की थी तो बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज 2 से 2.5 महीने बाद इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो इस सेक्टर में जो अगर खास करके 5G सेक्टर में, तो 5G सेक्टर जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, 3G और 4G की तरह उसके कन्वेंशन टावर नहीं होते हैं सब, वो एकदम नई टेक्नोलॉजी पे आती है 5G टेक्नोलॉजी। और 5G के इंस्ट्रूमेंट्स इतने महंगे होते हैं और वो टेक्नोलॉजी भारत में थी नहीं। याद कि हम जून के महीने में भी बताए थे कि भारत सरकार को Jio को आगे करना चाहिए, हालांकि सरकार ने कुछ 2 कदम आगे ही बढ़ के PLI स्कीम के तहत और भी कंपनियों को इसमें आगे लेके चले आए लोग। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, 5G कंपनी में जो टैकून मानी जाती थी वो हुआवे कंपनी और ZTE कंपनी, हुआवे और ZTE कंपनी से पूरी दुनिया परेशान थी और इनके प्रोडक्ट इतने सस्ते और इतने एडवांस होते थे कि लोग आराम से इन्हें ले लेते थे सर, इनके आगे कोई कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन जब से कोरोना आउटब्रेक हुआ उसके बाद चीनियों के प्रति लोगों का एक जो फेथ था वो कम हो गया और हुआवे कंपनी पे अमेरिका ने तो पूरी तरह बैन लगा दिया कि ये स्पाइंग कर रहे हैं, डाटा चुरा रहे हैं, और भारत ने जिस तरह से धड़ाधड़ ऐप्स को बंद कर रहा है, चीनी कंपनियों के माथे एकदम ठनक गया वहां पर। देखिए, भारत तो चाहता था कि वो हुआवे और ZTE कंपनी को टक्कर दे, लेकिन भारत के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, नोकिया और इरेक्शन जैसी कंपनियां थी जो यूरोपीय कंपनी थी, वो लोग के भी प्रोडक्शन थे 5G के मामले में, लेकिन वो काफी कॉस्टली थे। लेकिन भारत सरकार के जो PLI स्कीम है इसने बहुत ज्यादा असर दिखाया और भारत की पहली ऐसी कंपनी नोकिया हो जाएगी। देखिए, नोकिया भारत की कंपनी नहीं है, लेकिन नोकिया ने भारत में 5G जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रोडक्शन चालू कर दिया नोकिया की कंपनी ने, और भारत से पहली बार में इसका निर्यात भी होने लगा यहाँ पर इस कंपनी ने। तो ये बहुत बेहतरीन काम किया भारत का ये PLI स्कीम। यहाँ पर नोकिया की जो भी प्रोडक्शन लाइन है वो तेज कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस PLI स्कीम का फायदा उठाने के लिए सबसे आगे अगर निकल रहे हैं तो Jio कंपनी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि Jio कंपनी बहुत ही तेजी से इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है, क्योंकि कोई भी चीज में ना सबसे जरूरी क्या होता है, पैसा कितना आप इन्वेस्ट करते हैं। Jio के पास, रिलायंस के पास पैसे की कमी नहीं है, और दुनिया में साइंटिस्ट इंजीनियर ये लोग तो क्या है भैया, पैसे पे मिलते हैं लोग, भैया आप पैसा दीजिए कोई भी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये चाइना से इंजीनियर खरीद के लेके आओ और ये ह्यूज मात्रा में इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया Jio का एक सिद्धांत है, लास्ट आया लेकिन इतना फास्ट आता है जिसका कोई हद नहीं। 4G टेक्नोलॉजी में सबसे लास्ट में Jio आया था लेकिन सबसे फास्ट आया था, उसी तरह ये 5G में भी आने वाले हैं, लास्ट में आएंगे लेकिन इतना फास्ट आएगा कि धूम मचा के रख देगा, और इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन होगी और बहुत ही सस्ती भी इसकी टेक्नोलॉजी रहेगी। Jio के अलावे टाटा भी इसमें एंट्री मारने जा रहा है, क्योंकि PLI स्कीम के तरह टाटा को इसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ था, और टाटा टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बार घुसा भी है उसको कुछ खास उसमें फायदा नहीं हुआ। याद कीजिए, टाटा डोकोमो जो सक्सेस नहीं हुआ था, जो अपने 2G और 3G के मॉडल में सक्सेस नहीं हो पाया था, वो डोकोमो के साथ जो ज्वाइंट वेंचर बनाया था, तो अब टाटा इसमें पूरी तरह से कूदने जा रहा है। अब रिलायंस की जो Jio है, टाटा और ये इरिक्सन, ये 3 कंपनियां अभी और रेस में है। तो आप अगर ओवरऑल में अगर देखेंगे तो भारत में तो नोकिया ने अपना चालू कर ही दिया है, तो भारत से अब 4-4 कंपनियां क्या करने जा रही है भैया, 5G का प्रोडक्शन करने जा रही है। तो एक स्कीम PLI स्कीम ने चाइना के लिए होश उड़ा दिया है, एक और पूरी दुनिया जो है वो चाइनीज सामानों को इसलिए लेती है कि सस्ती है। अब भैया Jio से भी सस्ता क्या, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डाटा Jio ने ही दिया था, तो अब पूरी दुनिया को विश्वास है कि भाई भारत से भी सस्ता मिलेगा और भरोसेमंद भी मिलेगा। तो ये स्कीम बहुत बेहतरीन काम की और चाइना के लिए सरदर्द बन गया। देखिए, इसी स्कीम का फायदा उठाते हुए कंपनियां सोच रही हैं कि स्मार्टफोन चार्जर का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिस पे सबका ध्यान नहीं जाता है। ये $5 बिलियन का मार्केट है, $5 बिलियन।
इतना बड़ा मार्केट है और भारत थोड़ा सा अगर इसमें पुश करता है तो पूरी दुनिया का 50% मार्केट कैप्चर कर लेगा भारत, क्योंकि यहाँ पर अब स्मार्ट फोन चार्जर बनने की अब एकदम होड़ लग गई है। वियतनाम भी है इसमें, ताइवान भी है, जापान, चाइना भी है, लेकिन अब भारत इसमें जा रहा है। भारत की टारगेट है कि पूरी दुनिया के जो स्मार्ट फोन चार्जर का मार्केट है उसका 50% एक्वायर कर लिया जाए, और ये बहुत ईजिली हो सकता है क्योंकि जब से भारत की PLI स्कीम चालू हो गई है अब कंपनियों को डबल फायदा, ज़्यादा प्रोडक्शन करो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तुम ज़्यादा करोगे तो गवर्नमेंट भी तुम्हें अलग से इंसेंटिव भी देगी, तो इससे रोजगार भी आएगा, GDP भी आएगा, और हमारे कंपटीटर के लिए एक तो जो चाइना को कहा जाता था इलेक्ट्रॉनिक हब है वो धीरे धीरे उससे ये तमगा छीना जाएगा। चाइना को सबसे बड़ा झटका जो दिया वो सैमसंग कंपनी ने दिया। सैमसंग ने तो चाइना से पूरा तरह बोरिया बिस्तरी समेट के भारत में एंट्री मार दिया, और अभी हाल ही में भारत में सैमसंग ने सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट किया लगभग 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वो स्मार्टफोन के डिस्प्ले के लिए कर दिया। लेकिन आप जान के तजुब करिएगा, ये डिस्प्ले केवल सैमसंग के लिए नहीं बनेंगे, इसी डिस्प्ले को आईफोन को भी बेचा जाएगा, इसको ही अन्य कंपनियाँ भी बेची जाएंगी सब उनको भी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में जैसे ये सैमसंग का ये जो 5,000 करोड़ का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये यूपी के नोएडा में और जैसे सेटअप हो जाएगा तो आप जितने भी स्मार्टफोन देखेंगे उसके जितने पार्ट्स होंगे और डिस्प्ले होंगे वो ज़्यादातर पार्ट्स अब कहाँ मिलने लगेंगे, अब इंडिया के ही बनेंगे। रीजन समझिए, टाटा ने अपना लिथियम आयन बैटरी का कारखाना डाल दिया। अब किसी भी मोबाइल में अगर आप कोई भी मोबाइल देखते हैं तो कोई भी अगर मोबाइल है तो इसका जो डिस्प्ले वाला एरिया तो डिस्प्ले सैमसंग का हो जाएगा, मोबाइल वाला जो पार्ट्स वगैरह हो जाएंगे जो उसके बैटरी वो टाटा की लिथियम आयन की बैटरी, चार्जर भी इसी का होगा। यानी अब आने वाले 2 से 3 साल में आपका जो स्मार्टफोन रहेगा वो 60 से 70% मेड इन इंडिया हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि अब विदेशी कंपनियां भी भारत को ऑर्डर देंगी कि भैया हमको भी क्या चाहिए, भाई इसका डिस्प्ले चाहिए, और डिस्प्ले भी भारत से ही जाएगा और रोजगार भी इससे भारत को बढ़ने वाला है। ये टेंडर जो है ये बेसिकली यूपी के नोएडा में इसको शिफ्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट भी पूरा जोर लगाई है कि ये कैसे भी उनके हाथ से ये ना निकले, लेकिन इसको पूरी तरह सैमसंग मन बना लिया है कि वो भारत में इसको सेटअप करेगा। PLI स्कीम के तहत जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है उसको लैपटॉप को शामिल नहीं किया गया। हम तो गवर्नमेंट से कहते हैं इसमें लैपटॉप को भी शामिल कर दिए, क्योंकि पूरी दुनिया में लैपटॉप का सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी ने कैप्चर किया हो तो चाइना ने किया है। जिस तरह से PLI स्कीम ने चाइना के मोबाइल हब को छीन लिया उससे और धीरे धीरे भारत की ओर शिफ्ट कर रहा है, लैपटॉप में भी बहुत जरूरी है करने के लिए, क्योंकि जितने भी लैपटॉप कंपनी है आप देखेंगे वो मेड इन चाइना ही लिख देते हैं, या PRC पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वो कर देते हैं विरोध की वजह से। तो ये भारत को इस पर करना चाहिए, हालांकि भारत इसमें बहुत धीरे से कदम बढ़ा दिया है और वो PCB के थ्रू बनाया। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पुर्जा में आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट उसे कहते हैं जिसमें हम लोग किसका सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ये पिछली बार रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा सॉलिड स्टेट नहीं है, तो दुनिया के कोई भी इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस जिसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन का यूज करते हैं उसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो सिलिकॉन के यूज में आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आज हर जगह फेमस हो गया, हर चीज में ये PCB का यूज हो रहा है। ये PCB ज्यादातर ताइवान, कोरिया, जापान या चाइना में बनाए जाते थे, अब इसका बहुत बड़ा प्लांट इंडिया में लगाया जा रहा है। जब ये लग जाएगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि भाई यहां जैसे PCB लगेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पुर्जा यहीं बनने लगेंगे, क्योंकि यही ब्रेन बोला जाता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है इस PCB को। जब यहीं बन जाएगा तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। अब अगर ये PCB मार्केटिंग बहुत आगे चला गया तो भारत बहुत ही जल्दी जो इसके हार्ड ड्राइव हो सकते हैं, हार्ड डिस्क वाले चीजें हो सकते हैं, इसमें भारत बहुत आगे नहीं है, इसमें भी भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएगा। सेटेलाइट कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन में जो डिश TV होता है तो वो तो आपको पता ही है कि टाटा ने और भारत की डिश TV ने कह दिया था कि भैया हम खुद से ही प्रोडक्शन करेंगे, वो हम पहले की वीडियो में बताई दिए थे। अभी क्या है, डीलिंग कंपनी जो राउटर्स बनाती है ये राउटर वाईफाई को चलाने के लिए जरूरी है, यही से वाईफाई का कनेक्शन आता है, इसी राउटर में लगाया जाता है। अब डीलिंग कंपनी भारत में शिफ्ट होने जा रही है, इससे क्या होगा राउटर बढ़ेंगे, और भारत में करोड़ों का जो राउटर्स का मार्केट है वो चाइना से आराम से छीन लिया जाएगा। अब डीलिंग कंपनी वो यूरोप में, अमेरिका में, यहां तो ऑलरेडी शिफ्ट है, वो भारत में भी अब इसे शिफ्ट करते जाएगी। अब इस कंपनी में बहुत बड़ा फायदा होगा, तो इसमें भारत की टेलीकॉम कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब इसमें BSNL है, भाई साहब BSNL को हम क्या बोले यार, मतलब फर्स्ट टाइम हमको BSNL के प्रति निगेटिव वीडियो। सितंबर में हमको अपने एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट करने थे तो हमने BSNL का कनेक्शन लिया था। यार इस सब ने इतना टॉर्चर किया सब जिसका कोई हद नहीं, 29,000 रुपया लिया सब कनेक्शन के लिए, वायर हम ही खींचे, 1 किलोमीटर लंबा वायर हमको खींच के लाना पड़ा। हम कहे चलो भैया हमको अपने स्टूडेंट्स का क्लास लेना रहना है एप्लीकेशन पे, 5 घंटा 6 घंटा रेगुलर लाइव क्लास रहना है, विदाउट ये वाईफाई के नहीं हो सकता है। ले लिए,
हर हफ्ते इनका कुछ ना कुछ बिगड़ा रहता है, हर हफ्ते। आज 3 महीना टॉलरेट करने के बाद अब डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं दिसंबर में, 28 दिसंबर को एनटीपीसी ने दिया है अपना शेड्यूल कि भैया यहाँ से हम लेना चालू कर लेंगे। वो अलग बात है कि बहुत लंबा एग्जाम का शेड्यूल चलेगा, लेकिन इन लोग का भैया हर हफ्ते कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। या तो फिर कॉल करिए तो आधा आदमी कॉल नहीं उठाता है, कॉल उठाएगा तो क्या करेगा, सर बिगड़ गया है, लखनऊ से बिगड़ा है, कभी नोएडा से बिगड़ा है, कभी गोरखपुर से बिगड़ा है, कभी बिहार का चार चार जिला बिगड़ जाएगा। पिछले 2 दिन से इन लोग के 40 जिला में से ये वो मतलब लगभग 30 से 40 जिला में वाईफाई का कनेक्शन छोड़ दिया। सोचो क्लास कहाँ से ले, एक हफ्ता आप लोग के लिए वीडियो भी नहीं आ पाया था, कहाँ से अपलोड करेंगे, इन लोग परेशान करके रख दिया सर। ज़्यादा कंप्लेन करेंगे ना तो एक वीडियो भेज देगा सर, देखिए ऐसे तार कट गया था नीचे से खोद रहे थे, 2 दिन लगेगा। अरे यार तुम लोग को 2 दिन लगेगा, यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन टूट गया, रात 2 बजे जैसे भी लगा के खुदवा दो ना, रात 2 बजे किसी को वाईफाई का काम नहीं रहता है। जो आदमी वाईफाई लिया है तुमको समझ में नहीं आता है कि काम के लिए लिया होगा, ऐसे शौक के लिए गेम खेलने के लिए वाईफाई लेगा कोई, दिमाग खराब करके रख दिया सब ये सब BSNL वाला सब। तो कभी कभी अजीब ऐसा लगने लगता है ना कि मोदी जी ठीक है करते हैं, ससुरों को प्राइवेट कर देते हैं, बहुत मन पे चढ़ गया इन सब का। क्या बोले इन सब को समझ में आता है, कनेक्शन क्या है FTTH करके इन लोग का एक कनेक्शन है जो इधर ले आ गया है यहाँ पर, दिमाग खराब कर दिया इन सबों ने, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है। SDO को कॉल करो तो फोन नहीं उठाता है, भाई पागल है हम लोग। इनका कनेक्शन का नाम क्या है देख लीजिए, दिखाते FTTH 816E इनका कनेक्शन है भाई, दिमाग खराब करके रख दिया सब इन कनेक्शन वालों ने। खैर चलिए हम कहते हैं कि भाई BSNL वाले आप इतना टॉर्चर मत कीजिए कि आपके लिए एक वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि लड़के परेशान होते हैं सर, हर हफ्ते इनका एक मैसेज आएगा, आज लिंक फेल है, आज ये फेल है, हमको एप्लीकेशन पर क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। लड़कों को लगता है कि सर क्लास नहीं, अरे भाई सर को क्या प्रॉब्लम, हमको पढ़ाने में कुछ जाता है यहाँ पर, कुछ नहीं जाता है पढ़ाने के लिए, है कि नहीं यहाँ पे। अब पढ़ाने में कुछ जाता है तो भाई साहब गूगल यूट्यूब इंडिया ने हमको 8वां रैंक दिया, बहुत बड़ा खुशखबरी मेरे लिए, और आप सबका सपोर्ट, आप सब लोग को धन्यवाद कहते हैं। आप लोग का जो इतना लगाव रहा है इस चैनल से कि आप लोगों ने इस चैनल को 2020 का 8वां रैंक दे दिया। आप देखिए इस पर अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये यूट्यूब इंडिया ने कल ट्वीट किया था, ये यूट्यूब इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, पता करने के लिए ऑफिशियल है या नहीं उसके बगल में देखिएगा एक टिक लगा रहता है ब्लू कलर का, आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, हमको लगा नॉर्मल सा ट्वीट है, हमको ये नहीं लगा यार किसी ट्वीट किसी टीचर को आप टॉप 10 में ला देंगे, हमको तो कभी ये बिलीव ही नहीं हुआ था कि जल्द टीचर लोग का यूट्यूब में कोई खास रैंकिंग नहीं रहता है, सब कैरी मिनाटी हो गए, सब बड़का बड़का हो गया, सब ये सब टाइकून बैठा है, सब हटता ही नहीं है सब आगे से। तो हमको लगा कि नॉर्मल सा ट्वीट होगा, उसने क्या लिखा था, दे केप्ट आवर स्पिरिट अप्स एंड दे आर राइजिंग अप अप एंड अप, मीट द टॉप ब्रेकआउट क्रिएटर्स ऑफ 2020। यहाँ पर इसमें मेरी रैंकिंग 8 नंबर थी, ये ट्विटर इंडिया का आपका यूट्यूब इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, आप इसे जाके सर्च भी कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा। इसमें इन्होंने ट्वीट जो किया था, आप देखिए यहाँ पर ऑफिशियल ट्विटर है, यहाँ पर 1 नंबर पे इन्होंने कैरी मिनाटी को रखा था, भाई साहब उस कैरी मिनाटी इंटरटेनमेंट वाले उन सबको हम लोग टीचर के बस का है नहीं था, हमको बिलीव नहीं था यार कि हमारे जैसे टीचर को ऐसे सादा रहने वाले लोग को ये टॉप 8वें नंबर पर लेके चलाएगा। इसमें मेरा नंबर खान सर पटना, जो बड़ा खुशी हुआ कि जब तक लॉकडाउन नहीं था या कोरोना नहीं था तो हम पटना में ही पढ़ाते थे, तो वहाँ के लड़कों को हर समस्या को आदमी सुनते रहता, वहाँ के लड़के पसंद किया करते थे भाई सर आज बड़ा बड़ा पढ़ा देते हैं। अब YouTube ने पूरे भैया 8वां नंबर दिया, हम तो इसमें YouTube को भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसके लिए आप लोग हैं, इसके बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद करते हैं भाई, हाथ जोड़ के आप सब लोग का धन्यवाद फिर से कहते हैं कि भाई आप लोग के सपोर्ट के बिना किसी टीचर को 8वें नंबर पे लाना इम्पॉसिबल था। आज तक टीचर लोग को टॉप 10 में इंट्री जल्दी इधर इंट्री कहाँ मिल पाता है, बड़का बड़का देखते हैं कैरी मिनाटी है एक ठो कौन सा। खैर यूट्यूब इंडिया ने जो 8वीं रैंकिंग दी वो अलग बात, आप लोग का इसमें धन्यवाद। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का आप कमी है, आपके लिए एक गिफ्ट है ये बुक, आप ध्यान दीजिएगा ये बुक आपको एक अलग टाइप का लगेगा, आपको 11,000 क्वेश्चन इसमें रेलवे NTPC ग्रुप डी ASM जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 11,000 सेलेक्टिव क्वेश्चन, हालांकि मेरे पास टोटल 17,000 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें तक लगभग 5,000 ऐसे क्वेश्चन थे, 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन जो रिपीटेड थे और जो करेंट अफेयर थे। अब आप बताइए 1995 का करेंट अफेयर इस बुक में देंगे तो आपके लिए काम के नहीं थे, तो इसमें से करेंट अफेयर को छांट दिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उसको छांट दिए, एकदम फ्रेश फ्रेश क्वेश्चन 11,000 क्वेश्चन बच गए इसमें, तो इसमें
इसमें 11,000 क्वेश्चन डाल दिए हैं, 40 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं इसमें आपको, तो प्रीवियस क्वेश्चन भी है और प्रैक्टिस सेट भी है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जिससे हमको चाइना के पेपर मिल वालों से झगड़ा हुआ था, मेरी जो फर्स्ट बुक आई थी न्यूमेरिकल फिजिक्स की, वो पहले चाइना के पेपर वालों से थे, उनसे हमारा टसल हो गया था, झगड़ा हो गया था वहाँ पर, जसोला है दिल्ली में, वहीं पर ऑफिस में बैठ के तूतू में हो गया था। वो कह दिया था खान सर आपको चैलेंज कहते हैं कि आप बिना चाइनीज़ कागज़ के सस्ती किताब ला ही नहीं सकते। तो हम आज भी ओपन चैलेंज करते हैं चाइनीज कंपनी वालों लोगों को कि भले कागज का खोज तुमने किया है, देख लो भाई साहब 632 पेज की ये किताब है, 632 पेज की किताब, और इसको महज 149 रुपए में, इससे सस्ता पॉसिबल ही नहीं है, 149 रुपए इसकी कॉस्टिंग, 632 पेज की किताब यार, फोटोकॉपी करा के, मतलब हमको जब प्रिंटिंग प्रेस में किताब कितनी मुश्किल से छपती है, आप देखे होंगे कि कितना उसमें टाइम लगता है किताब को छापने में, कई कई मशीनें आती हैं उसको छापने के लिए। तो आज ये किताब फाइनली छप के निकल गई, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, बंगाल और यूपी, हरियाणा, इतने राज्यों के लिए आज ही रात में इसकी लॉट निकल चुकी है। आप लोग का ये भैया ये कॉस्टिंग है, यहाँ पर आप लोग 149 रुपये दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बढ़ा कर 149 में अगर 1 रुपया बढ़ा देते हैं, यानी अगर 150 रुपया कर देते हैं, तो भैया हमको भी 1 रुपया मिल जाएगा, लेकिन ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम YouTube पर आए या फिर पढ़ाने के लिए आए तो कभी ये मेरा उद्देश्य ही नहीं रहा कि हम कभी भी पैसे कमाएं। मेरा यही उद्देश्य रहा कि भारत ने जो अपना पुराना गौरव खो दिया है, हमें विश्व गुरु कहा जाता था, हम शिक्षा को फिर से आगे ले सकें, शायद हमारा ये योगदान भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जो भारत शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज उस शिक्षक को 8वां रैंकिंग मिला ऑल ओवर इंडिया में, और भारत चाइना की कंपनी जिसने चैलेंज किया था कि पूरी दुनिया में जाना जाता है सस्ते चीज़ों के लिए, आज उसको टक्कर दे दी है भाई साहब, एक 632 पेज की किताब 149 रुपए में, इतने मिनिमम प्राइस में पॉसिबल ही नहीं है। आपकी इच्छा आप दीजिए या नहीं दीजिए अलग बात है, हाँ इससे अगर, लेकिन अगर आपका गाँव दूर एरिया में है तो आपके गाँव का दुकानदार आपके जिला में आएगा, किताब को खरीद के ले जाएगा, तो वो इस पैसे में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जोड़ेगा। लेकिन अगर आप बड़े शहर में, जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, पटना है, बनारस, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, ये सब जौनपुर हो गए या जयपुर हो गए, यहाँ सब में लीजिएगा तो आपको 149 में ही पड़ जाएगा, आगे का प्राइस जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा इसमें। तो इस बार जितने रेलवे वाले एग्जाम वाले हैं विद्यार्थी लोग, आप इसको लेंगे, रामबाण है, आप सोने से पहले जब बेड पर जाइएगा तो 11 बजे के बाद आप इस किताब को लेकर चलना है। आपको करना क्या है, डेली इसमें जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उसको बनाते रहेंगे, आप बिलीव नहीं करिएगा, आप केवल प्रीवियस क्वेश्चन बना जाइए ना, आप नहीं पढ़े हैं कोई मैटर नहीं करता है, आप अगर केवल प्रीवियस क्वेश्चन बना जाते हैं 11,000 क्वेश्चन, तो आप कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे, प्रैक्टिस राउंड बनाएंगे और थोड़ा आगे निकल जाएंगे। तो देखिए ये आप स्मार्ट वर्क करते रहिए, समझ आ गया, जब तक नींद नहीं आती है तब तक ये करिए, वैसे भी अब नींद नहीं आती आप लोग को तो हम तो अब क्लास लेने जाएंगे आज रात में, फिर 12 बजे, आज रात को 12 से 2 बजे लाइव क्लास चलेगा, केमिस्ट्री का बैच चलेंगे आज रात 12 बजे से, और अभी फिर नहीं जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा 1 घंटा गैप देंगे, फिर आप 12 बजे से लेंगे, जितने लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं था उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि 12 बजे वाला भी क्लास है, आज केमिस्ट्री वाला लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।